इस वक्त हम जमानिया विधानसभा के दिलदार नगर बाजार में हैं। दिलदार नगर बाजार जहां बताया जाता है कि मुस्लिम बाहुल इलाकों में शुमार होता है, ऐसे में यहां पर 2017 में भारतीय जनता पार्टी की विधायक सुनीता सिंह को चुना गया था और सुनीता सिंह ने जब चुनाव जीता तब उन्होंने बहुत सारे वादे किए थे कि अपने विधानसभा में विकास की गंगा बहाने के लिए। ऐसे में इस चाय की दुकान पर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो इससे हम जानने का प्रयास करेंगे कि 2017 के चुनाव के बाद सुनीता सिंह ने जो कितना विकास करने की बात कही थी और कितना विकास कर पाया है। जी अपना नाम बता दें। जी बलवंत सिंह। जी कहाँ के रहने वाले हैं? जी महाना के रहने वाले हैं। बलवंत जी, ये 2017 में जब चुनाव हुआ था तो क्या लगता है कि जो विकास के वादे किए गए थे नेताओं के द्वारा कितना पूरा हो पाया है आपके इलाके में? पूरा कहीं नहीं हुआ है। हमारे यहाँ तो लग रहा है जो 15 साल से रोड पर पीछे नहीं हुआ है। जो उस यहाँ बैंक से जाता है महाना गाँव के लिए रोड, उस पर 15 साल से पीछ नहीं पड़ा है, ना गिट्टी पड़ा है। इसके लिए दोषी आप किसे मानते हैं? आप किसे मानते हैं? जो नेता है क्षेत्रीय उसी का ना दोष मानते हैं। 15 साल की बात कर रहे हैं तो अगर माना जाए तो उसके पहले समाजवादी पार्टी के जो विधायक और मंत्री थे और अब समाजवादी सरकार में भी काम हुआ था तो उसियाँ बैंक से उसियाँ गाँव तक हुआ था, लेकिन उसके बाद महाना नहीं पहुँचा। महाना आज भी 2 रोड जाता है, महाना को 2 रोड जोड़ता है, एक कुसिया की तरफ से जोड़ता है, एक भदौरा वो महावीर स्थान की तरफ से जोड़ता है, उसमें भी आधा अधूरा ही काम होता है। कहीं कुल मिलाकर आप नेताओं की कमी मानते हैं? एकदम मानते हैं। ऐसे में 2022 आने वाला, क्या मूड रहेगा आपका? मूड तो पहले से ही बना हुआ है। मतलब बदलाव होना चाहिए या रिपीट होना चाहिए? नहीं, बदलाव तो हो ही रहा है, बदलाव होना चाहिए। जी अपना नाम बता दें। गोरखराज। कहाँ के रहने वाले हैं? गाँव सभा पलिया। जी ऐसे में ये बता, जमानिया विधानसभा की बात करें तो जमानिया विधानसभा में कितना विकास हो पाया है? अब हम लोग तो गए नहीं हैं सर कि जाकर देखें कि कितना हुआ है कितना नहीं हुआ, लेकिन हुआ है, हुआ है, ऐसी बात नहीं है कि नहीं हुआ है, हुआ है। ऐसे में 2022 की बात करें जो आगामी चुनाव आने वाला है, क्या लगता है उसमें मूड क्या रहेगा? मूड तो अभी क्या हम लोग बताएं, अभी क्या हम लोग बताएं, अभी नहीं बता पाएंगे। जी अपना नाम बता दें। जी अमरिंदर सिंह। अमरिंदर जी कहाँ के रहने वाले हैं? देवल के रहने वाले हैं। देवल के रहने वाले हैं, यानी कि अगर देवल को माना जाए तो एकदम गाजीपुर और बिहार का लगभग, मतलब यूपी और बिहार का लगभग बॉर्डर है। बॉर्डर। तो बॉर्डर का इलाका होने के साथ ही क्या वहाँ तक कभी विकास की किरण पहुँच पाई है? जी नहीं, जो कुछ भी हुआ है माननीय ओम प्रकाश जी के समय में हुआ है, उसके बाद वहाँ कुछ नहीं हुआ। 1 रुपये का माननीय विधायिका जी ने कोई काम नहीं किया है, अगर की हो तो बताएं। आखिर क्या कारण लगता है कि वहाँ पर भारतीय जनता पार्टी जो विकास का दावा करती है, डिरोरा पीटती है, तो उनका विकास वो आपके देवल गांव तक क्यों नहीं पहुँच पाया? अब तो इसका जवाब वही दे सकती हैं। हम तो यही कहें कि माननीय मुलायम सिंह जी का जो नारा था, मुफ्त दवाई मुफ्त पढ़ाई मुफ्त सिंचाई, वही मिल जाए तो यही बहुत है, और तो उम्मीद करना ही बेकार है। तो ऐसे में क्या लगता है 2022 को लेकर क्या मूड रहेगा? एकदम जनता मूड बना चुकी है, सिर्फ ओम प्रकाश जी क्षेत्र के विकास पुरुष हैं ओम प्रकाश जी, इसलिए पुनः उनको दोबारा आना तय है, लगभग 100% तय है। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम धर्मेंद्र कुमार पांडे है। पांडे जी कहाँ करवाने वाले हैं? चौराई करवाने वाले हैं जी। ऐसे में आपके इलाके में पिछले 2017 में जब चुनाव हुआ जी, तो आपके जो नेता हैं ओम प्रकाश जी और विधायक दोनों चुनाव लड़े, क्या वादे किए थे आप लोगों से? वादा तो बहुत की सरकार, लेकिन सब फेलवर, कोई जमीन पे कोई काम नहीं दिखा। विकास तो सिर्फ ओम प्रकाश सिंह ने किया, समाजवादी सरकार ने किया। ओम प्रकाश सिंह की बात किया जाए तो विधायक सुनीता सिंह जो है उनका ये कहना है कि जो टीबी रोड है उनके द्वारा बनवाया गया। गलत बात, कोई इस्टीमेट उनका काम नहीं किया, सब ओम प्रकाश सिंह का बनाया हुआ चीज है। ओम प्रकाश सिंह पूर्वांचल के बहुत बड़े नेता हैं, यहाँ की जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। ये भी बताया जाता है कि टीबी रोड की वजह से ही ओम प्रकाश सिंह को हार का मुंह देखना पड़ा था, तो क्या लगता है कि इस बार 2022 में क्या रहेगा? विकास कुछ देख नहीं पाए लोग, कुछ दूसरे किस्म के इंसानों ने चुनाव हराया, नहीं तो विकास का तो ओम प्रकाश सिंह ने गंगा बहाया। जी अपना नाम बता दें। मेरा नाम लक्ष्मण विश्वकर्मा पड़ेगा। विश्वकर्मा जी, 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या मूड रहेगा इस बार? इस बार सर जनता मूड बना चुकी है कि समाजवादी पार्टी को पूर्ण बहुमत से सरकार बनाएगी। ऐसा इसलिए कि जब भी समाजवादी पार्टी की सरकार आता है तो धर्म से हट कर काम करती है। अगर मुसलमानों में देखा जाए तो मुसलमान के लिए कब्रिस्तान का काम किया गया है, अगर हरिजन बस्ती में देखा जाए तो उनको आज इस क्षेत्र में अम्बेडकर गाँव चयन किया गया, अम्बेडकर की मूर्ति स्थापना की गई है, और हिंदू में देखा जाए तो बहुत बड़ा एक गोल्डन चीज़ है कि जो इतिहास जो राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न पर रामायण रामलीला होता है, हर गांव में जहां भी देख रहे मान्य पूर्व केंद्रीय मंत्री ओम प्रकाश सिंह का ही
शिव है, उद्घाटन है, मंदिर है, मस्जिद है, रामलीला मंच। यानी कुल मिलाकर 2.5 साल में योगी सरकार लगातार विकास की बात कर रही है कि लगातार विकास किया है? नहीं नहीं, ऐसी बात नहीं है। योगी सरकार जो है वो कागज पर सिर्फ काम करते। मैं तो बताता हूँ कि विधानसभा जो ये जो माननीय विधायक सुनीता सिंह है, पहला उनका लेटर गर्ल्स इंटर कॉलेज में था। वहाँ गर्ल्स इंटर कॉलेज यही विधायिका जी को योगी सरकार ने कोई टेंडर ये योजना को ही कैंसिल कर दिया। आज भी जाकर देखिए गर्ल्स इंटर कॉलेज में 1 रुपया भी नहीं लगा। शिक्षा का स्तर में तो एकदम बहुत जीरो है। हमारे साथ और बहुत सारे लोग हैं, हम उनसे भी बात करते हैं कि 2022 का जो चुनाव आने वाला है उस चुनाव में क्या रहेगा। जी अपना नाम बता दें। हमारा नाम अजय गुप्ता है सर। गुप्ता जी, 2022 का चुनाव आने वाला है, क्या रहेगा इस बार? बदलाव होगा या फिर? बदलाव होगा सर, इस बार माननीय ओम प्रकाश सिंह आएंगे समाजवादी पार्टी की सरकार। आखिर बदलाव आने के पीछे कारण क्या? क्योंकि योगी सरकार के विधायक और मंत्री लगातार विकास की बात कर रहे हैं। ना यहाँ पर कोई विकास नहीं हुआ, जितना काम है सब माननीय ओम प्रकाश सिंह पूर्व कैबिनेट मंत्री कराए हैं, समाजवादी पार्टी करे, और किसी का विकास विकास यहाँ कुछ है नहीं। जी हमारे साथ एक बुजुर्ग है, उनसे बात कर। जी बुजुर्ग ने प्रदेश के महासचिव है। जी अपना नाम बता दें। मंगल सिंह। मंगल सिंह जी कहाँ के रहने वाले हैं? दिल्ला नगर के रहने वाले। यहाँ के विधायक जो है आपके विधानसभा में लगातार विकास की बात करती हैं, कितना विकास हो पाया है? विधायक जी जीरो। जीरो, आखिर क्यों? हम क्या कर, क्यों खजाना को लूट लिया गया, क्यों? पैसा से ना विकास होगा? पैसा है नहीं, चप्पल जूता खरीदने के लिए पैसा नहीं है। तो 2022 में क्या रहेगा? तैयारी कीजिए, सर्वमान्य नेता है मंत्री। मंत्री मतलब ओम प्रकाश सिंह जी? हाँ। यानी आप लोग उनको जिताएंगे? अरे जिताएंगे क्या, जीता हुआ है। और वो जिताएंगे तो प्रदेश में सरकार किसकी बनाएंगे? सपा की बनेगी, वो मेकर हैं। हमारे साथ कुछ और लोग भी हैं, हम उनसे भी बात करते हैं। जी अपना नाम बता दें। प्रवीण जायसवाल। जायसवाल जी, अगर हम व्यापारी वर्ग की बात करें, आप व्यापारी वर्ग से भी आते हैं, तो क्या लगता है कि सरकार में व्यापारी वर्ग के लिए कुछ काम हो पाया है? जी नहीं, कुछ काम नहीं हुआ और लोड बढ़ गया है। जब से सरकार बनी है व्यापारी एकदम त्रस्त है, परेशान है। आखिर परेशान होने के पीछे कारण क्या है? कारण ये है, GST अभी फिर जनवरी से और बढ़ रहा है, पहले से GST लग गया है। एक तो नोटबंदी हुआ उससे भी व्यापारी परेशान थे, और GST और बढ़ने जा रहा है। और इस बार जो महंगाई की लोग बात कर रहे हैं, इस महंगाई से क्या कुछ असर पड़ा है? बहुत असर है, महंगाई एकदम बेतोड़ है, कोई जवाब ही नहीं है महंगाई का। तो ऐसे में 2022 का चुनाव आने वाला है, यानी कि आपका मौका आने वाला है। जी जी। तो क्या करेंगे, सरकार का साथ जाएंगे या क्या करेंगे? सरकार के विरोध जाएंगे। क्या नाम है आपका? अब्दुल कादिर अंसारी। कादिर साहब, क्या लगता है 4.5 साल में कुछ हुआ? अब अल्पसंख्यकों के लिए तो कुछ भी नहीं हुआ सर, कोई भी पटल पे काम अल्पसंख्यकों के लिए नहीं हुआ, बल्कि उत्पीड़न हुआ है। कादिर साहब, जहाँ तक हम जानते हैं कि आप एक कवि हैं, शायर भी हैं, तो अपने दर्द को कुछ कविता के माध्यम से बताना चाहेंगे? अब बताना तो चाहेंगे, वैसे समय नहीं है, लेकिन दरिया की तलातुल में बस सकती है किस्ती, और किस्ती में तलातुल हो तो साहिल न मिलेगा। देखोगे तो मिल जाएंगी हर मोड़ पेला से, और ढूंढोगे तो इस सरकार में कातिल न मिलेगा। ये थे यहाँ के दिल्ला नगर के निवासी जो लगा। और जी अपना बता दें। मैं राजीव कुमार गुप्ता है। गुप्ता जी, आप युवा हैं। जी। युवाओं को रोजगार चाहिए, नौकरी चाहिए, क्या लगता है इस सरकार में क्या हुआ? इस सरकार में कुछ नहीं मिला है, ना रोजगार मिला है ना नौकरी मिला है। क्योंकि योगी सरकार, मोदी सरकार लगातार रोजगार देने की बात कर रही है। झूठी बस अफवाह है, जमीन पे काम नहीं करना है, बस केवल कागज पे काम करके पैसा निकाल लेना, जनता को गुमराह करना। हाल ही में इस बार क्या लगता है 2022 के चुनाव में युवा वर्ग किधर रहेगा? युवा वर्ग समाजवादी पार्टी अखिलेश सिंह के साथ रहेगा। जी नाम बता दे अपना। उमेश वर्मा। उमेश जी, 2022 का चुनाव आने वाला है, युवाओं का रुख क्या रहेगा? युवाओं का रुख अखिलेश यादव की तरफ है, और यहाँ से हम लोग बहुत ज्यादा वोटों से चुनाव जीतेंगे, प्रदेश में भी सरकार बनाएंगे हम लोग। आखिर अखिलेश यादव को ही चुनने का क्यों मन बनाया आप लोगों ने? पिछली बार जो सरकार अखिलेश यादव की सरकार ने जो भी वादा किए थे सब पूरा किए, ये सरकार में वादा तो बहुत है लेकिन काम कुछ नहीं है। अब आप वादे की बात कर रहे हैं, लेकिन यही कि विधायक का ये आरोप है कि आपके जमानिया विधानसभा में 13 ऐसी सड़कें थी जिनका जो पेमेंट जो है सिर्फ कागज पर सड़क बनाकर उतार लिया गया है। ऐसी कोई बात नहीं है, जितनी भी सड़कें सब बन चुकी थी, कुछ टेंडर हो गया था जो इस सरकार में पूरा हुआ है, पुरानी सरकार के ही सब कार्य हो रहे हैं जो भी दिख रहा है। उनका एक और भी आरोप था कि यहाँ पर परिवहन निगम की जो बस चलती थी उसे बंद कर दिया गया था, उनका रिपोर्ट था कि वहाँ की सड़कें खराब हैं, ताकि सड़कें जो खराब थी उसके जिम्मेदार आप लोग किसको मानते थे? सड़कें कहाँ जिम्मेदार थी, बाईपास रोड सब बन ही गया था, ये इस कार्यकाल में जो बाईपास रोड बना 6 महीना भी नहीं चल पाया, इस सरकार में 6 महीना भी नहीं चल गया, सब टूट टाट के खत्म हो गया। बाकी डेवल
देवर वाली रोड और ये बिहार जाने के लिए दो दो रोड बढ़िया बना, टीवी रोड बना, एक वाली एक रोड जो है गाजीपुर जाने वाली, ये भी टेंडर हो चुका था जो कि एक साल पहले मंत्री जी का जो जो भी मतलब मंत्री पद चुना गया उससे रुक गया तो वो भी बन गया होता सरकार। ऐसे में क्या लगता है कि 2022 में क्या होना चाहिए? सरकार बदलेगी और पूर्व बहुमत की सरकार बनेगी हम लोगों की। तो ये थे दिलदार नगर के स्थानीय लोग जो 2022 में लगातार अखिलेश सरकार को फिर से सत्ता में लाने की बात कर रहे हैं। इनका कहना है कि 2017 में जब अखिलेश की सरकार गई थी तो उन्होंने बहुत सारे विकास किए थे और उनके विकास के बाद यानी 2017 के बाद जो भी सरकार बनी है उनके द्वारा या उनके विधायकों के द्वारा किसी भी तरह का कोई विकास नहीं किया गया है। दिलदार नगर से अनिल कुमार की रिपोर्ट।